होला मोहल्ला मौके श्री हरिमंदर साहब विच अलौकिक नजारा वेखण नूं मिले। होला मोहल्ला वेखण दे लई दरबार साहब विच देश विदेश तो संगत पहुंचती है। श्री दरबार साहब विच इस त्योहार नूं गुलाब दे फुल्लां ते इत्र दे नाल मनाया गया। इस मौके पालकी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सुशोभित कर सुखासन दे लई श्री अकाल तख्त साहब विखे ले जाया गया ते इस दौरान संगतां दा हट भगतीमई रंग विच रंगिया नजर आया। दर्शन करके बहुत निहाल हुए हैं जी, कृपा की है मालक ने। बहुत महला होला महल तो आए थे भी इतने संगतां के दर्शन करने आए हरिमंदर साहब। हाँ, बहुत खुशी बख्शी है परमात्मा ने जी, बहुत संगतां का सहयोग मिले जी। बहुत वधिया लगे जी दर्शन करके। ए गुरु गोबिंद सिंह ने जो सिख की स्थापना की थी तो उन्होंने महला के नाम उत्ते नाम दिता गया होला महला। तो महले का मतलब है, मह का मतलब है कि एक बनावटी, हला का मतलब एक हला करना, युद्ध करना, एक बनावटी युद्ध जिन्होंने कहोंगे। तो गुरु गोबिंद सिंह ने बनावटी युद्ध कराया गया तो उन्होंने फुलों के दौर उत्ते अपना वर्खा करके तो उन्होंने मनाया जाता है। तो इतने हरिमंदर साहब के बहुत अलौकिक नज़ारा है वै, इतने लोग पूरे श्रद्धा के नाल इतने नमस्तक होंगे ने ते अपनी श्रद्धा पूरी इतने भेंट करते। देखो साढ़े बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब जी ने ते सन हमेशा वैसे ही सिखा ते सांते घमंड यही है कि भाई असि पंजाबी आ, आई एम जस्ट प्राउड टू बी पंजाबी। और जो चीज है बाबा जी दी ओ ते चंगी लगती ही है। फुला दी बरखा ते देखो हमेशा ही होंदी है, बस आज होला मेला ते थोड़ा होर ज्यादा रश है ते होर ज्यादा चंगा लग्या। बहुत वधिया लग्या जी, मैं शब्दां विच कोई बखान नहीं कर सकदा। गुरुआं दी बहुत बख्शीश है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।